दिख रहा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई विल गिव। यस अंगी, ओके। ओके गुड। थोड़ा नजदीक लाओ। ओके प्रीता, प्रीता शो बेटा। यस मैम, यस मैम। खुशी रीड करो तब तक चैप्टर। शुभ पीछे का बैक एनवायरनमेंट सेट करने से अच्छा है कि आप चैप्टर रीड करो। मैम कैन यू सी, नो आई कांट सी बेटा। मैम वन मिनट, मैम मेरा एक मिनट के लिए कैमरा बंद होगा। प्रीता आपके वहाँ नेटवर्क इश्यू है क्या? आप बहुत चिपक जाते हो। आई डोंट नो, शो मैम। ओके प्रीता आप चिपक गए हो। अभिमन्यु टिल दैट टाइम यहाँ पे नेटवर्क इश्यू लगता है। हेलो मैम। यस मैम, आपको अब दिख रहा है? नहीं बेटा आप चिपक रहे हो बहुत। अभिमन्यु आप भी चिपक गए। मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रही हूँ। खुशी चैप्टर रीड करो, मैं जब पूछूं तो आना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। रुद्राक्ष शो योर होमवर्क। यस मैम। ओके मैम, मैम जस्ट अ सेकंड। I can't see. शुभ तू कब से घूम रहा है? मैम ये क्या स्टाइल है रुद्राक्ष होमवर्क बताने की? कुछ समझ में ही नहीं आता। मैम मैंने किया है, दिखा दे रहा हूँ। मैम दो हाथ से ऐसे कैमरा के नजदीक ले जाओ तो मुझे दिखे। मैम यहाँ पर आगे बुक्स है वो सब है इसलिए। पार्डन, इससे आगे नहीं होगा। मैम आगे बुक्स है इससे आगे नहीं होगा। ठीक से दिखाओ तो दो हाथ से। मैम दो हाथ से ही दिखा रहा हूँ। व्योम इतनी हंसी क्यों आ रही है? कोई जोक पास हुआ है क्या? चैप्टर रीड करने में ध्यान रखो ना, फिर पूछती हूँ तो कुछ आता तो है नहीं। टर्न पेज, एक ही पेज थोड़ी है। दिखा रहा हूँ। वेदांत यू टू शो मी। मैम ओके
यस मैम, मैं मेरे दूसरे डिवाइस से जाऊंगी तो मैं देख। हाँ बेटा, मैं इन दोनों का देख लू ना, फिर आप बताओ। ओके मैम। शुभ आप भी बताओ। ओके मैम मुझे क्वेश्चन है। डन। ओके क्या क्वेश्चन है मैम? ये सब, अरे मैम ये सब ने नोटबुक में किया है तो मैम मैंने तो नोटबुक में नहीं किया, मैंने पेजेस में किया है। चलेगा, लेकिन नोटबुक में करने का तो क्या, आपका होमवर्क कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। पेजेस मिसप्लेस हो जाएंगे तो फिर आपने जो लिखा है वो भी मिसप्लेस हो जाएगा। शो मी फास्ट योर होमवर्क। व्योम यू आल्सो शो। यस मैम। ओके वेदांत। मैम मैम यस मैम देखो होमवर्क। हाँ देख ही रही हूँ। आप दोनों का मैम पैटर्न करूँ? हाँ करो करो, मैं देख ही रही हूँ। ओके मैम, आप लेसन टू की जो मैम वर्कशीट है मैम, आप उसकी आंसर शीट भेजोगे? मैम आपने बहुत हार्ड बनाई हुई है मैम। लास्ट पेज। ओके मैम, मेरे को एक डाउट था। मैम आपने जो वर्कशीट भेजी है ना ग्रुप में, वो मैंने ऑनलाइन देखी, मतलब मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था, मुझे आंसर उसका बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो मैम वो वर्कशीट आई थी। मैम मेरा आपने देखा? हाँ देख लिया। ओके प्रीता शो बेटा। डिवाइस से दिखा रही हूँ। मैम आपने मेरा भी देखा ना? हाँ देख लिया। यस प्रीता। ओके मैम हो गया। देवांश, जीरम, शो, आदित्य। यस मैम दिखाता हूँ। माधवन व्हाट आर यू डूइंग? मैम रीड कर रहा हूँ पर वो मोबाइल गिर गया। मैम उसने पीछे का बैकग्राउंड रखा है। हाँ मैं वो ही मैं देख रही हूँ, ये सब नाटक कर रहा है कब से। यस यस देवन। टर्न पेज। यस आदित्य। ओके 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 मैत्री एंड जीरम शो मी। मैम मेरी साइंस की नोटबुक में सेकंड में गई थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन मैंने तो कब से दिया है, एक वीक पहले का दिया है। मैम नेक्स्ट थर्सडे को दिया था, लास्ट थर्सडे को दिया है। देन व्हाई यू हैव नॉट डन जीरम? मैम ये भी मेरी स्कूल में। मैत्री मैम देख लिया आपने? अभिमन्यु शो मी योर होमवर्क। मैम आई हैव नॉट डन।
वाई किस खुशी में नहीं किया, कौन सी खुशी आ गई थी इतनी कि आपको आपने होमवर्क नहीं किया? टेल मी रीजन. बोलो जल्दी. मैम मुझे लगा, मैम मुझे सुनाई दिया कि आपने लेसन थ्री का दिया है. बेटा अच्छे से ध्यान से सुनने का रखो या किसी को पूछ लेने का अगर आप कंफ्यूज हो होमवर्क में तो. मैम लेसन थ्री का मुझे बता देना, दिस इज लास्ट वन. ओके मैम लेसन थ्री का तो मैम जो मैम आपने जो लेसन थ्री जो ली वो था ना, उसमें जो आपने ऑब्जेक्टिव होमवर्क में दिया था वो सैटरडे चेक करेंगे आप. हाँ ऐसा कहा था आपने. ओके ओके हैप्पी बर्थडे प्रीता. थैंक यू मैम. मैम हमें स्कूल में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके चलो अभी मैं क्वेश्चंस देती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखो. पहले तो ये सारी डिफाइंस मुझे लिखवानी बाकी है ना आपको. मैम वो तो हम लिख देंगे. मैम आप वर्कशीट सॉल्व कराओगे? हाँ हाँ मैम वर्कशीट सॉल्व, क्योंकि मैम आपने जो वर्कशीट भेजी है मैम वो बहुत हार्ड है. क्या नहीं आता था उसमें बताओ. बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड. मैम दो मिनट. मैम डिफाइन तो आपने आप लिख मैम थर्ड और सिक्स्थ. बेटा क्वेश्चन मुझे बोलो ना आपको तो पता चलेगा. यस मैम मैं द फॉलोइंग में मैम क्लोस्ट्रिडियम और मैम उसके ऑप्शन मैम उसके बाजू मैम वो बोल रहा हूँ. मैम काव्य वन मिनट. यस मैम. हाँ बोलो इसमें क्या. मैम मैथ द फॉलोइंग में थर्ड और फिर मैम सिक्स्थ में क्या आएगा? क्लोस्ट्रिडियम एंड रेंसिटी. ये दोनों हमारे पार्ट में नहीं है, वो दोनों मत करना. वो है ना सीबीएसई पार्ट में है, जो हमारे में नहीं है वो मत करना. ओके मैम मतलब मैम जो हमारे पार्ट में वो हम ना करें. हाँ जो हमारे में नहीं है वो मत करना. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम मुझे फिफ्थ वाला नहीं पता चल रहा है. मैच द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट. क्या मैम फिफ्थ वाले में मैच द फॉलोइंग फिफ्थ सीवेज ट्रीटमेंट का आंसर मुझे नहीं पता. सीवेज ट्रीटमेंट तो आपको आ गया था ना लास्ट ईयर वेस्ट वाटर स्टोरेज में. हाँ मैम. तो क्या आएगा? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया. एनी अदर डाउट? नो मैम. किसी को? क्या मैम बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम. नो मैम. ओके कम ऑन नाउ स्टार्ट राइटिंग. मैम एक मिनट. मैं बाजू में थोड़ी मैम आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले ना वो रिपीट करो तो एक मिनट. व्हाट इज मेंट बाय पॉलीमर? मैम मिक्स दे रही हूँ आपको. मैम आप है ना लेसन थ्री का लिखा रहे हो डेफिनेशन. ओके मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर.
व्हाट इज पॉलीमर? मैम ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. हे यू हैव टू राइट क्वेश्चन. आई हैव नॉट आस्क्ड आंसर. मैम क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. मैम आंसर अभी लिखना है. पूछ रही हूँ मैम आंसर अभी लिखना. किसने ऐसा सिली क्वेश्चन पूछा? माधवनी होगा मैम. व्यू में और बस मैं ही होता हूँ. व्यू में तेरा और व्यू की आवाज एक जैसी आ रही है ना तो ऐसा लगता है कि माधवनी ही है. मैम मेरी और माधवन जैसी नहीं है, रुद्राक्ष की माधवन जैसी. व्हाट इज पॉलिएस्टर? What is polyester? उसके पहले आप ऐसे पूछे ना what is polymer? What is polyester? मैं आगे आने मैं क्वेश्चन हो गया. What is nylon? देखो इसमें मैं सब मिक्स क्वेश्चंस पूछती हूँ. वन वन वर्ड भी है, वन और टू सेंटेंस भी है, थ्री फोर सेंटेंस भी है. मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगी, आप अपने आप लिखना. ओके. व्हाई इज नाइलॉन यूज्ड फॉर? व्हाई इज नाइलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश इज? मैम व्हाई इज नायलॉन यूज्ड? फर्स्ट का क्या लिखा है मैम आपने? फर्स्ट का व्हाई इज नायलॉन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थ्री रिपीट करो. माधवन बीच बीच में बोल दो मत कर. कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज. यस प्रीता थर्ड वन क्या था? मैंने क्या बोला? व्हाट इज पॉलीमर मैम? पहला है व्हाट इज पॉलीमर. ओके उसका आंसर बोलो ना. दूसरा था कौन सा था? व्हाट इज पॉलिएस्टर? पॉलिएस्टर. थर्ड वन इज व्हाई इज नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग? व्हाई इज नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रशेस? ये व्हाट इज पॉलीमर का आंसर किसको नहीं आता? एक जोर से चाटा मारू मैं मुंह पे? कितनी बार करवाया है मैंने? अरे नहीं मैम मैं पूछ रहा था कि फिर आपने आंसर लिखा है ऐसा पूछ रहा था. पर ये नहीं, बीच में बोल रहा है. लिखना है अभी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको. हम यूज फॉर मैम ऐसा क्वेश्चन माधवन का ही होता. व्हाई इज नायलॉन यूज फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स? बी आर आई एस टी एल ई एस. Bristles of toothbrushes. Yes, spelling वापस बोलिए के. B R I S T L E S. Then what is pi r principle? What is pi r principle? What is pi r principle? मैम pi r मतलब reuse reduce वो नहीं था. pi करके dash करके capital r लिखो. मैम वो समझिए pi r pi 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 but pi फिर capital r और फिर principle pi है. व्हाट इज पाई आर के बाद? पाई आर प्रिंसिपल. पाई आर ऐसे लिखना है.
प्रिंसिपल। कैन यू सी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसे लिखना है फाइव आर प्रिंसिपल। मेरे को नहीं दिख रहा। मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे। क्यों नहीं, सबको दिख रही है? क्लियर है मैम। हाँ मैम। ओके, डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक, डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक। What are petrochemicals? What are petrochemicals? Name the types of arrangement. Name the types of arrangement of units found in plastics. Name the types of arrangements of units found in plastic. What is polywool? What is polywool? कितने questions हुए? मैम 8 हुए। और दो लिखो। Why is polyester suitable? Why is polyester suitable for making dress materials? क्या मैम ये रिपीट करो एक मिनट। Why is polyester suitable for making dress material? Name the types of fiber. कौन से फाइबर, नेचुरल या आर्टिफिशियल? Name the types of fiber. Types बतानी है। Come on, start writing answer, everyone. I am giving you 10 minutes, start writing. Mm-hmm.
Everyone start writing fast and don't copy. Try to write on your own. If you don't understand, ask me. Yom, unmute yourself. Maitri, आपने मुझे homework नहीं बताया. मैत्री व्योम अनम्यूट योरसेल्फ एंड वीडियो ऑन करो. सब लोग वीडियो ऑन करो. जिसके भी वीडियो ऑफ है ना उसको बाद में लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा. वीडियो ऑन करो सब. व्योम कैन यू हियर मी? यस मैम. तो वीडियो क्यों ऑफ रखा है? निजेश वीडियो ऑन करो. सबने वीडियो ऑफ रखा है. मैत्री आप मुझे कब से रिप्लाई नहीं दे रहे हो? निजेश वीडियो ऑन करो. मैम यस. आपने वो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है नेम द फाइबर, अरे वो पूरा लिखा हो ना. एक्चुअली मैंने नेम द फाइबर्स ही लिखा है सिर्फ. हाँ तो नेम द फाइबर्स ही है. ओके मैम. मैत्री यू हैव नॉट शोन मी योर होमवर्क. निजेश वीडियो ऑन करो वरना लेक्चर बाद में अटेंड करना पड़ेगा. मैम मुझे वो थ्री नंबर वाला क्वेश्चन पता नहीं चला. अरे फोर नंबर वाला. सिक्स नंबर वाला कौन सा है? मैम फोर्थ नंबर वाला है. व्हाट आर पाई आर स्क्वायर? पाई आर प्रिंसिपल. तो क्यों ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया तो था तो सही. रिड्यूस रीयूज रीसाइकल. चैप्टर जब खत्म होता है ना उसके लास्ट पेज पे है. देखो थोड़ा रिफर करो कि तो आपको आएगा ना. ओके मैम. निजेश आपका वीडियो कब से ऑन नहीं है? मैं साक्षी मैम को कंप्लेन करूंगी. मैंने कितनी बार आपको बोला? मैत्री व्हाई यू आर नॉट शोइंग योर होमवर्क? मैम एम आई ऑडिबल? Now you are audible. कब से मैं पूछ रही हूँ आपको? रुद्राक्ष आप बिल्कुल दिख नहीं रहे हो.
होप एवरीवन आर नोइंग आंसर्स एंड नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डू लेसन 4 सो रीड इट ओके अगर आप रीड करके रखोगे ना तो जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो थोड़ा आपको समझ में आएगा ओके और 1, 2 एंड 3 आप प्रिपेयर रहना मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ मैम फर्स्ट का आंसर ना बोलूं पूछा मैंने थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का टेबल बना के लिखना है या डायरेक्टली डिफरेंस तो टेबल बना के ही लिखना है हाँ पिलो प्रोफाइल से Make it fast, write fast.
कितने आंसर बाकी है काव्य? मैम दो तीन बाकी है। प्रीता योर्स? मैम दो तीन ही बाकी, तीन बाकी है। आदित्य योर्स? मैम चार बाकी है। राइट फास्ट। माधवन योर्स? मेरे दो बाकी, तीन ही बाकी। रुद्राक्ष? मैम तीन चार। ओके खुशी जैनिल आपको? मैम मुझे एसएस और साइंस में। ओके प्रीता यू? मैम एसएस एंड साइंस। काव्य? मैम एसएस और साइंस, मैम एसएस तो और साइंस में आप। मैम जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैम तब से आप दोनों तो वही। इसके लिए मैं तो। और मैम हाँ बोलो माधवन। तो मेरे को एसएस अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है और इंग्लिश। वेनिशा यू? मैम एसएस और साइंस। जीरम आपको? मैम मुझे साइंस और एसएस। सबको एसएस और साइंस है, इंग्लिश और मैथ्स क्यों नहीं? सारे पसंद। मैम मुझे इंग्लिश पसंद है। अच्छा इंग्लिश इंग्लिश ऐसा साइंस। वेदांत नीजेश आपको? मैम साइंस ऐसे। मैत्री यू? मैम एम आई ऑडिबल? Yes, अभी हमने पहले पूछा था सारे कोई बोल ही नहीं रहा था साइंस में और अभी सारे बोल रहे हैं। सब लिखने में बिजी थे ना इसलिए। मैम एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। मैम कैन आई शो माय होमवर्क इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज देयर इज समथिंग नेटवर्क इश्यू सो आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑन माय वीडियो मैम। ओके ओके नो प्रॉब्लम। निजेश आपको? मैम एसएस एंड साइंस। सबको एसएस एंड साइंस। मैम मुझे मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है। माधवन वैसे भी तू है ना जो सब सीधी कार में जाएंगे ना तू उजली कार में जाएगा। मैम मुझे सारे पसंद है। मैम मुझे भी सेम ईयर। सभी टीचर्स अच्छा ही करवाते ना। रुद्राक्ष पहले तो बोलता है इंग्लिश पसंद है, बाद में बोलता है एसएस पसंद है, बाद में बोलता है साइंस पसंद है, और उसमें सारे कहाँ पे आए? वही तो सारे सारे पसंद है सिवाय मैथ्स, ऐसा बोला। अभी जिसका होमवर्क आज कोई रीजन से मुझे नहीं बताया हैव टू शो इन नेक्स्ट लेक्चर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल चेक ऑल योर दिस 10 आंसर्स एंड व्हाट एल्स यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड लेसन 4। ओके मैम। ओके मैम। लेसन 4 इफ यू विल रीड इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके मैम। Bye ma'am, have a nice day. Bye bye. Bye. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am.
गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मैम गुड आफ्टरनून है, इवनिंग थोड़ी ना है. 4:31 तो हो गए. अच्छा ओके. यस व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस सेशन. मैम इनफाइनाइट मैम वी वर डूइंग इन करीना मैम. हाँ जी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है. ओके थैंक यू. वी वर डूइंग इनफिनिटी. तो तुम लोग किसके लिए हो? तुम इसीलिए हो. ओके ठीक है. Now this was the third form. This is the third form. This is called past participle. So we will put some attention over here. कि इस past participle का यहाँ पे infinitive में क्या काम है? Now I have written only one verb, but there are countless. You know that. Okay. Okay. Yes, ma'am. तो ये आपको लिखना है रुद्रम. हाँ तो ये आप लिख दो पास, फिर मैं आगे मूव करूँ. हाँ आपने जो अपने रब किया उस वो क्या लिखा था? प्रेजेंट मैम. हाँ जी मैम, वो कल मेरे स्कूल में ओरल टेस्ट है तो मैम मुझे वो एक टॉपिक पे डाउट था. स्कूल में एग्जाम ऐसा पूछ रहे हो? मैम कल स्कूल में मेरी ओरल टेस्ट है तो मुझे ना दिखने रहा पीछे का. ओरल टेस्ट है? ओरल? यस मैम कल स्कूल में ओरल टेस्ट है और मुझे डाउट भी है. बोलो क्या डाउट है मैम मुझे. प्लीज रेस्ट ऑल म्यूट फॉर अ मोमेंट. मैम मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूजन है. तो ठीक है मैं ये रब करके पहले आपको वो बता देती हूँ, फिर मैं इसमें मूव करूंगी. ओके मैम. या फिर इसमें थोड़ा मूव करते हैं और 45 मिनट्स के बाद मैं आपको वो करवाती हूँ क्योंकि फिर सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है ना? और भी कुछ डाउट है? नो मैम बस तुम दिखो तो सही, दिख नहीं रही हो. रुको रुको रुको. या स्पीक अप नाउ. What ma'am? Yeah, happy birthday. तो आज तो भी new dress होनी चाहिए थी. Ma'am, I will wear it afterwards. ठीक है चलो enjoy your day. Thank you ma'am. Ma'am. हाँ जी मैम, कल हमारी वीकली टेस्ट होने वाले तो तीसरी नाम एक बार समझा, एक ही बार थोड़ा बहुत समझा दो. क्या चीज? क्या समझा? तीसरी नाम चैप्टर नहीं है. तीसरी नाम तीस नाम ही ना बोलो नाम बोलते. हाँ मैम लोग एग्जाम के एक दिन पहले ही बोलते हैं मैम ये करवा दो वो करवा दो. अच्छा सुनो सुनो तुम्हारा एग्जाम कब है? मैं वीकली टेस्ट है कल. तो तुम्हें आज समझाऊंगी मैं. अरे नहीं मैम ओरल ओरल है. ओरल ऐसे ही मैम नहीं लेती. तो मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? शॉर्ट में कर दूँ? हाँ मैम शॉर्ट में थोड़ा. हाँ तो थोड़ा ये कर लो फिर. तुम लोग चार चार चीजें एक साथ ही बोलते हो यार. व्हाट इज दिस? हाँ मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब लोग एक दिन पहले ही आपको बोल देंगे.
मैम मेरे स्कूल में जो एग्जाम थी ना उसके मार्क्स आ गए। कितने आए मैम? 25 में से 18 18 आए, तो इतने कहाँ पे कट हो गए? मैम वो एक दो ग्रामर में कट हो गए और पता नहीं सर ने कुछ और ही ऑप्शन डाल दिया था उसमें कट हो गए। ऐसे कैसे कुछ और ऑप्शन डाल दिया? मैम वो इंग्लिश में कभी फुल मार्क्स नहीं आते इसलिए सर ने वो कोई दूसरा ऑप्शन डाला था। ठीक है ओके। नाउ सी एवरीवन, अब ये जो पार्टिसिपल है ना इसमें जब हम इसको इंफिनिटिव वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं तो दो तरह के पार्टिसिपल रहेंगे। एक रहेगा दिख रहा है हमें लिखना है रुको बताने तो दो ठीक है। नाउ सी एवरीवन, जब ये वाला पार्टिसिपल हम बात करते हैं ना टीथ आप यहीं पर अटेंशन रखना, तो ये वाला जो पार्टिसिपल है इस पर टू काइंड के होंगे। एक तो वी वन प्लस आई एन जी, ये तो पता है ना तुमको, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी, स्विमिंग, कमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। और एक है बी थ्री, म्यूट करो Ashi, do you want to say something? Ma'am, I'm Ashi's mother, new student. I'm not getting your voice. Sorry? I'm not getting your voice. I hope it is very much audible to everyone. Rest all, are you facing any problem with my voice? No, ma'am. Maybe some problem, ma'am, with your connection. Ma'am, now I got it. Part of background. Now better? Their voice. Better, yes. Ashi? Ashi, are you new? Yes, ma'am. First session? Sorry, ma'am. This is the first session of English? Yes, ma'am. Okay. Good. Now, yes. In this, the participle... two kind of participles will be there, that is V1 plus ING and V3. Now Ashi, aapko dheere dheere samajh mein aayega because you are very late. V1 means verb first form, like if I say go, this is V1 and ING going. So V1 is go, ING is here. Okay, this the same is with all the verbs. Now V3. Any V3, anyone? Drunk. V3 नहीं बोलोगे तो आज गए तुम लोग। मैम drunk, D-R-U-N-K. मैम brought. Brought. क्या कह रहे हो मैम? क्या कह रहे हो? Brought. Drawn. मैम sunk. Drawn. Gone. मैम brought. Brought. मैम drawn. मैम drawn. Brought. Drawn. Drawn. Song cut. Ma'am, drone. Ma'am, S-U-N-G song. I thought F-O-G, F-O-U-G-H-T, thought. Thought, T-H-O-U-G-H-T, S-W-U-M, swam. Ma'am, thought. Ma'am, R-A-N, ran. Ma'am, thought, T-H-O-U-G-H-T, very thought. Listen, run, the last form, run, ran, run. Ma'am, fought. Ma'am, song. Now listen, ये sentences में कैसे आएंगे वो पता करना है, ठीक है? चलो ये लिखना है, लिखना तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखना तो चलो। अब देखो जरा सेंटेंस, मैम
लिसन एवरीवन, आप लोगों ने जो इन्फिनिटिव किया आपको मालूम है ना फाइनाइट वर्ब क्या होता है, विदाउट विच अ सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम, जिसकी एब्सेंस में सेंटेंस नहीं बनेगा वो फाइनाइट है. इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कौन सा है? I'm here. Okay, fine. So, iska matlab there will be one more verb which is infinitive. Okay, ab wo infinitive wale waan pe kaun kaun se kar rahe hain wo dekh lo. Infinitive ke aapne ek to karna hai 2 plus t1, dusra hai aapka participle, and the third one is Gerund. Okay? ये पार्ट आपने प्रीवियस सेशन में फिनिश कर दिया? Yes, ma'am. Plus, right now we are doing this. But this is a part of infinitive. That means ये जिस भी सेंटेंस में होगा उसमें ऑलरेडी एक फाइनाइट वर्ब होगा जिसके बिना सेंटेंस नहीं होता. और ये जो होगा ना ये वर्ड तो वर्ब वाला होगा लेकिन इसकी एब्सेंस में ओके है, चल जाएगा सेंटेंस, इसकी इतनी नीड नहीं होगी. अब मुझे इस सेंटेंस में आपने बताया दिस इज फाइनाइट, सो पार्टिसिपल कौन सा है? ये वर्ब होगा. मैंने आपको अभी बताया था पार्टिसिपल मतलब वी वन प्लस आई एन जी और वी थ्री दो होंगे ना पार्टिसिपल. सिंगिंग इज पार्टिसिपल. करेक्ट. Good. So this is participle. Okay. This much part you all write this much. ये पूरा लिखना आपको याद रहेगा. Finite तो उसके तो kinds हो नहीं सकते क्योंकि finite तो ऐसा verb है जिसकी absence में sentence नहीं frame होगा. तो वो तो चलेगा. उसके अलावा जो verb है उसके three parts हैं. Two plus three one वाला, participle वाला, gerund वाला. हम लिख ही रहा हूँ मैं एक सेकंड. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम. मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है, आप देखोगे एक बार? देखती हूँ. क्या करना है इसमें मुझको? मैम मुझे खाली ये पूछना था कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोवर्ब्स है कि नहीं. क्या है ये? कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोवर्ब्स. बेटा अभी ये चल रहा है तो अभी मैं वो नहीं चेक करूंगी, वो मैं फिर जब मैं आपको वो करवाऊंगी ना. ओके. फिर भी रुको मैं एक्चुअली मेरे को ना इस पे प्रोजेक्ट मिला तो मैं खाली पूछ रही थी. अच्छा रुको लेट मी चेक देन. अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, हेस्ट मेक्स वेट. मैम सो हरी अप एंड वेट. हाँ कुछ तो है. अ गुड थिंग्स कम टू ही हु वेट्स. सारे नहीं है ये प्रोवर्ब्स तो सभी हैं लेकिन सारे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. मैम इनमें से कौन से हैं? बेटा वो फिर अभी मैं चेक करके बताऊंगी. जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं ना वो है. जैसे अ स्टिच टाइम सेव्स नाइन, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. मैम हो गया लिखना. मैम आगे कह रहा हूं मैम जो आपने वो लिखवाया ना अ स्टिच इन टाइम टाइम सेव्स नाइन दैट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके. तीन पार्ट है. ये वाला हमने टू प्लस वी वन वाला कल कर लिया मतलब प्रीवियस सेशन में. ठीक है आज हम ये पार्टिसिपल कर रहे हैं. पार्टिसिपल का मतलब दो होता है, एक तो वी वन प्लस आई एन जी वाला वर्ड और एक वी थ्री. वी थ्री वालों में ना कौन सा होता है?
अरे फ्लॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला मैम टू प्लस वी वन किया था मतलब समझ नहीं आया कल वो प्रीवियस लेक्चर में तो हमने इनफिनिटी इनफाइनाइट और फाइनाइट वाला किया था हाँ तो यही था ना वो हो गया ना वो तो फिनिश यस मैम आज हम ये कर रहे हैं पार्टिसिपल अब पार्टिसिपल मैम सिंगिंग दो तरह के वर्ड होते हैं एक तो होता है वी वन प्लस आई एन जी ये वाला वर्ड होता है और एक होता है वी थ्री वी वन प्लस आई एन जी पता है ना स्विमिंग कमिंग ईटिंग ड्रिंकिंग Yes, ma'am. और ये वी थ्री भी पता है तुमको फ्लॉन ड्रम रेड हाँ तो अब देखो क्या है कि हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमने सेंटेंस लिखा एक तो इसमें फाइनाइट वर्ब होगा यानी कि जिसके एब्सेंस में सेंटेंस नहीं बनेगा वो ये रहा कैन हियर अब इसका मतलब जो दूसरा है वो इसमें से कुछ होगा ठीक है तो ये देखो आई एन जी वाला आया बी वन प्लस आई एन जी यस मैम तो ये पार्टिसिपल है बी वन प्लस आई एन जी ओके मैम बताऊंगी अभी पहले आप करो इतना ठीक है ओके ओके एवरीवन एक चीज और है मैं बता रही हूँ इसको इस वाले को बी वन प्लस आई एन जी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और बी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल हाँ जी ठीक है आपने कहीं ये मेंशन करना तो कर दो फिर अब मैं रब कर रही हूँ व्योम आपको सॉरी माधवन आपको वो वीडियो नहीं मिला सुनामी वाला नो मैम मैम मेरे को एक चैप्टर चलाने मैम मेरे को एक चैप्टर चलाने का है सप्लीमेंट्री रीडर में ओ चैप्टर नंबर 2 वीडियो ऑन करो आई कैन नॉट समटाइम एबल टू लिसन टू यू मैम बट वो चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क वाला है तो आपको उसमें वीडियो नहीं मिला चिल्ड्रन एट वर्क का मैम मैं नया जॉइंट हुआ ना पता नहीं आपने चला दिया है कि नहीं मैम मैंने न्यू एडमिशन चला दिया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिली आप लोगों को एसपीजीटी ऐप पे मिल जाएगी मैम एसपीजीटी ऐप पे एसपीजीटी ऐप पे एसपीजीटी ऐप है ना एसपीजीटी ऐप उसमें मिल जाएगी SPGT ऐप वाले में आपको मिल जाएगा उनको डाउट होगा रुद्र एंड माधवन यू ट्राई देयर फॉर ओके मैम मेरे को पता नहीं था कि आपने चला दिया है हम डाउट है कि मेरा न्यू एडमिशन है हां ठीक है ओके चलो राइट नाउ आई एम रबिंग दिस ओके मैम हां जी मैम आज हमारी इंग्लिश की एग्जाम थी तो कैसा हुआ मैम बहुत अच्छी यार सॉरी आपकी आवाज बहुत कट हो रही है अच्छा मैं आई एम शेयर रब इट नाउ यस मैम यस मैम मैम आई डोंट वांट एनीवन टू स्पीक अ वर्ड बोलन पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या हो गया
मैम पीछे से किसी से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. बैकग्राउंड नॉइज वाले प्लीज म्यूट करें. All are muted. Okay. Now see everyone. Next is okay. सबसे पहले ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें हमेशा इन ईच सेंटेंस टू वर्ब्स होंगे. वन वर्ब तो मालूम है ना, मेन वाला फाइनाइट बोलते हैं उसको. ठीक है, अब इसमें फाइनाइट कौन सा है? अब हम जो इनफाइनाइट वर्ब कर रहे हैं उसमें से जो पार्टिसिपल वाला है मैंने आपको अभी बताया था वो दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. उन दोनों में से कुछ है इसमें? लेडन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो ये आपका मतलब क्या होता है किसका मतलब? मैम आर की पैलागो का मतलब क्या होता है? आर की पैलागो सुनामी वाले चैप्टर में है मैम. चलो अब चलो रेडी है सब लोग? यस मैम रेडी. मैम समझ ही नहीं आया मुझे तो. चलो मैम मुझे समझ नहीं आया. नहीं आया? नहीं मैम. देखो हाँ आपको एक कुछ कहा मैंने, डाउट होगा तो फिर मैं क्या करूँ रिकॉर्डिंग वीडियो. रुको या जय जय है ना, कौन है वो भाई? यश यश. देखो हमको ये एक बात तो पता है, मैंने आपको प्रीवियस में बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बिना सेंटेंस चल नहीं सकता. ठीक है, याद है आई लाइक टू ईट आइसक्रीम वाला मैंने बताया था शायद. ठीक है, उसमें मेन वर्ब जो होता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनता. लेकिन बहुत बार एक और भी वर्ब होता है लेकिन वो वर्ब ऐसा होता है कि उसके बिना कभी चल जाता है, वो इतना मेन नहीं है. अब वो जो मेन नहीं है उसके थ्री काइंड्स हैं जिसमें से 2+V1 वाला काइंड हमने कर लिया, करा था कि नहीं? Yes, दूसरा है पार्टिसिपल. अभी आज मैंने आपको तीनों पॉइंट्स लिखवाए हैं, 2+V1 पार्टिसिपल और जेरिंग. अभी हमारा एक हुआ है 2+V1, दूसरा हम कर रहे हैं, तीसरा बाकी है. ठीक है, तो जो दूसरा है ना पार्टिसिपल वाला उसके अंदर दो तरह के वर्ड होते हैं, दो तरह के. ठीक है, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी वाला वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, कुछ पता चला? हाँ मैम पता तो चला, मैंने आज लिखवाया भी है, ये सब चीजें लिखवाई भी है. अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला तो मेन है, वही फाइनाइट वाला, वो तो होगा ही होगा. अब जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है वो 2+V1 वाला खत्म हो गया. और कोई वर्ब दिखता है इसमें? नो मैम. ना लेडन. ये क्या है ना ये? यस. अब अगर ये आईएनजी वाला होता तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, अब क्योंकि ये वी3 वाला है तो ये पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन है ये पार्टिसिपल ही.
ठीक है, और अब तुमको मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो नॉट टू वरी, डू दिस एंड देन यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, मोर क्लियर आइडिया, क्लियरर आइडिया. चलो यस, अब वट एवर द सेंटेंसेज आई एम गोइंग टू स्पीक, यू हैव टू फाइंड द पार्टिसिपल एंड देन यू हैव टू टेल वेदर इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल ही ना, फाइनाइट नहीं ना, फाइनाइट तो एक ही होगा ना, फाइनाइट तो एक ही होगा, उसकी टाइम्स अलग अलग तो है नहीं, तो जो जो इंफिनिटिव वाला उसका बताना है, उसमें भी पार्टिसिपल वाला बताना है और उसमें भी ये बताना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट. ओके, प्रेजेंट वाला आईएनजी, पास्ट वाला वी थ्री, बस ठीक है. चलो द फर्स्ट सेंटेंस इज वी हर्ड, we heard the clouds thundering, we heard the clouds thundering. अब सिर्फ हैंड रेज करना हाँ आप लोग. यस देविक, thundering we one present participle. ओके यश, यश Yes, ma'am. Yes, इसमें finite verb कौन सा है, main verb कौन सा है, main वाला. ma'am heard. हाँ, और जो दूसरा वाला है वो ma'am वो infinite है, infinitive. पर वो कौन सा है, word बताओ. V1 plus ing. हाँ, तो वो कौन सा word है उसको बोलो, word कौन सा है. हाँ, thundering. हाँ, तो ये कौन सा है, present participle या past participle. Present participle. ING है तो present, ठीक है. ओके चलो सब लोग ये इसको underline करके नीचे लिखना, present, PR और फिर participle. So shall I start next one? मैं मतलब इसमें जो हमें जो पता करना है कि ये V1 plus ING या V3 है वो सिर्फ infinite verb में होगा, finite verb में नहीं होगा. वो पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फाइनाइट वर्ब एक फिक्स है बस, ठीक है. वो खत्म हो गई, फाइनाइट वर्ब है ही नहीं अभी, उसको मत सोचो क्योंकि उसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, तो वो तो होगा ही होगा. लेकिन हम अभी वो पार्ट को नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम जिस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं वो अनइम्पॉर्टेंट वर्ब है, मतलब जिसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है. गॉट इट. Considering the facts. Considering the facts, he was not. Considering facts के बाद the facts के बाद. माधवन कृपा कर लो बीच में मत बोल. Considering the facts, comma he was not treated fairly. Considering the facts, he was not treated fairly. Jay, yes. Hello, ma'am. हाँ, कौन पूछ रहा है? Hello. आपकी आवाज मैम बहुत धीरे धीरे आ रही है, मैम बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही. किसको भाई? मैम मैं एक और बार लीव करके ज्वाइन करूँ मैम, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मैम. हाँ ठीक है, लीव करो ज्वाइन करो जल्दी, one within a second. अच्छा ये वाला बताओ जय. मैं बताओ मैम, सॉरी मुझे पता ही नहीं. मैम फाइनाइट वर्ब मैम इसमें ट्रीटेड है एंड मैम कंसीडरिंग है मैम वो
प्रेजेंट पार्टिसिपल करेक्ट मैम क्लियर आ रही है मैम ने पूछा कि आप मैं लीव करके प्रेजेंट करूं आपकी आवाज नहीं आ रही और आपने हाँ बोला तो उसको हाँ कैसे सुनाई दिया तो मैंने क्या बोला उसको हाथ कैसे सुना दिया उसको तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी नहीं थोड़ी थोड़ी आ रही थी ना तो उसको सुन के मैं चला गया थोड़ी थोड़ी लेकिन तो आएगी ना धीमी होगी तो यार एक बात सुनो सब लोग अब मत बोलो वी डोंट वेस्ट टाइम नेक्स्ट करो साग्निक नाउ यू कैन हियर मी यस मैम चलो नेक्स्ट हियरिंग द नॉइस hearing the noise comma the boy woke up hearing the noise the boy woke up main iska answer na bolu yes ha bolu yes मैम इसका आंसर है उसमें हियरिंग फाइनाइट वर्ब है और वेक अप इंफिनिटिव वर्ब है उसमें वी क्रिया है मैम कैन आई टिल्ट यस सी हियरिंग इज इंफिनिटिव वी वन फॉर्म करेक्ट वी वन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल करेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल पंक्ति 10 मिनट्स के बाद मुझे रिमाइंड करवाना मैं आपको वो लिखवा दूंगी ओके मैम नाउ नेक्स्ट गॉड विलिंग कॉमा वी शेल हैव मैम फिर से रिपीट करो गॉड विलिंग WILLING God willing, comma, we shall have another good monsoon. I will choose now. Kathan Kathan Yes ma'am. Yeah, you can try. Ma'am, I'm not able to hear you. So no, Kathan, when will you going to tell me that thing after the session gets over? Ma'am, I am checking. No, ma'am, I am checking. Yes. Kathan, your performance day by day is going down. Now, what I have observed, you are not very much attentive in the class. Earlier, you used to be there, but now I don't know what happened. Venisha. Venisha. Let me write those names who are not paying attention. मैम वो भी अनम्यूट हुई थी मुझे देखो मुझे आवाज या कुछ चैट बॉक्स में कुछ तो पता चलना चाहिए ना कुछ भी तुम लोग बिल्कुल नहीं करोगे तो नहीं चलेगा मैंने कल ही बोल दिया और उन्होंने मुझे बोला मैम ने कि आप जिनके भी नेम ले रहे हो जो अटेंटिव नहीं है उनके नेम आप मुझे दे दो आप लिख लो और दे दो सो वेनिशा
मैम मेरा ना मैम नेटवर्क इश्यू है मैम, तो बार बार मेरा वीडियो पॉज हो जा रहा है मैम। सागनिक आई नो यू, तो मुझे मालूम है कौन से स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट करते। हितवक्ष मैम कैन आई ड्रिंक वाटर? हितवक्ष मैम हां जी मैम, की आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं वीडियो ऑफ करूं? हाँ ओके। हितवक्ष आर यू देयर और नॉट? यस मैम। हाँ यस यू कैन ट्राई। डू यू नो हितवक्ष व्हाट वी आर डूइंग? Yes, ma'am. What? Ma'am, you are asking oral questions for some sentences. Past participle. And what that topic is? What that topic is? Past participle. Okay. So, are you having any book with you? No, ma'am. I'm outside, so I'm not having it. Where outside? You are, I think you are in a room. Yes, ma'am. If you are in a room, you should be having some book or a paper. I am not. पहले unmute रख के बात पूरी करो, बाद में mute करो. पहले unmute करो. Detail issue. Yes, now say. No, ma'am, not at my room. Where are you not? At my home. Of course, you are not at home, but wherever you are, there will be one paper or pen, so you can take from anywhere. Na? And it is very important topic. Fine, today I talk to your mother. Ma'am, can I give answer to Nivedi? Can I, ma'am, Jay? Ma'am, can I, Tanishka? Tanishka, can you please wait? Then other students don't take participation at all. Rohit, wait a moment. See. आपकी आवाज आपकी आवाज बहुत कट रही है। मांजर आज परफेक्ट है। मांजर आर यू देयर? ठीक है चलो ओके। यस तनिष्का नाउ यू टेल। यस मैम। हैव इज फाइनाइट एंड विलिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। करेक्ट ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। दो मिनट रुको मैं लेफ्ट होके आता हूँ। आवाज नहीं रुक रही हूँ। ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट। आई कैन मेरा छूट जाएगा फिर। नहीं अभी इतना करवा रही हूँ। आई कैन हियर हर सिंगिंग अ सॉन्ग। आई कैन हियर हर सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहित तिवारी हम एक और बार रिपीट करोगे सेंटेंस? आई कैन हियर हर सिंगिंग अ सॉन्ग। आप लोग प्लीज ऐसा मत बोलो कैन आई। रोहित तिवारी यस मैम। यस रोहित प्लीज वीडियो ऑन करो। हाँ यस रोहित कैन यू ट्राई unmute? You are muted. Ma'am, what is question? I can hear her singing a song. What do you have to do in this sentence? Ma'am, find a participle. Okay. So you understood and, this topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Chalo, bata do fir.
मैम सिंगिंग इज अ पार्टिसिपेट एंड कैन हियर इज अ फाइनल वर्ब फाइनाइट और सिंगिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपेट ओके ठीक है चल yes, बेटर कुछ तो कुछ ने आंसर दिया या वेट अच्छा ओके नाउ दीज मेनी आर ओके रेस्ट आई विल डू इन नेक्स्ट सेशन यस पंक्ति नाउ यू राइट अच्छा ओके नाउ दीज आर द वर्ब टेंसेस दीज आर द टेंसेस व्हिच आई थिंक यू हैव नॉट डन जस्ट पुट द हेडिंग Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Pankti, are you there now? Yes, ma'am. Okay. So present perfect is written. That means in this sentence, has or have will be there. Then it is continuous. Continuous means there will be V1 and ING also. So, thoda indication to malum pad gaya. Now, write the rule for this. Rule likho iska subject plus has or have. Subject plus has or have plus BEEN. Been. BEEN Been plus V1 plus ING. Ma'am, kya subject plus have? Subject plus has or have plus V1 plus ING. Nahin, been bhi hai, haan, beech mein. Has, have plus Ma'am. Been plus V1 plus ING. Okay? Now, subject batao chalo koi. Ma'am, car. Car se na hum aage verb nahi laga payenge. Dusra koi batao. Human being wala. Movie. Sing. Haan? You. Sing. Man. Chalo likho you. Acha you ke baad kya aayega? Has or have? Have. 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 H-A-V-E have. You have. Ab rule ki according next word kya aayega? Been. Working. Been. Working. Been. Been. You have been working. You have been working. You have been. Phir verb aapne lagaya worked or ing working. You have been working since 3 hours. I'm done. I'm heading past perfect continuous. Recording in progress. Past perfect continuous. I know in the definition. Past perfect. Hanji. Ma'am, I know the definition of the past perfect. Yeah, speak up. Past perfect continuous tense are sentences which are started from past and continues in present. And for that rule is what? Present perfect mein jo aapne rule likha hai na, usme has was, been played for. Was. Head aega head. Listen, agar aap bolte ho na beech mein, meri speech ke beech mein. आपको आता तो ओके जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाता तो लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस देन यू स्पीक एंड दीज आर एटिकेट्स आल्सो ओके या पास्ट परफेक्ट के लिए आपको रूल में क्या लिखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल था ना उसमें हैज हैव की प्लेस पर एच ए डी हैड लगा दो रेस्ट ऑल एज इट इज ओके मैम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में हैज हैव की प्लेस पर हैड लगा देंगे एच ए डी रेस्ट एवरीथिंग एज इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट मैम V1 की जगह V2 नहीं आएगा
भाई हैड आ गया ना, तो कंटिन्यूअस है ना ये, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी तो जरूरी है और पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो गया एचईडी। मैम इसमें सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं, ही हैड बीन वर्किंग सिंस 3 आवर्स। हाँ लिख सकते हैं। मैम मेरा बार बार नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब क्या करूं बोलो मैम। माधवन मैं कोई टेक्नीशियन तो हूं नहीं, अब क्या करूं बोलो। वैसे भी टेक्नीशियन भी कुछ नहीं कर सकता, नेटवर्क इश्यू तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। हम बार बार कट रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैम इसमें विल आएगा। अब सुन लो क्या आएगा, जो आपने हैज हैव लिखा है ना प्रेजेंट में, उसकी प्लेस पर विल हैव कर दो। विल हैव जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव की प्लेस पर विल हैव कर दो। Example, she will have been, she will have been singing patriotic songs. She will have been singing patriotic songs. स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा मैम। आई सेड शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। करेक्ट मैम। मैम पैट्रियोटिक का मतलब, नाउ लिसन अब इसके चैप्टर्स बाकी है ना वो प्लीज मैम पैट्रियोटिक का मतलब। भाई देखो आप लोगों की आवाज कम हो गई है, मुझे कॉल आई थी, कॉल आती है तो फिर रूम मीटिंग में जिसकी आवाज आ रही होती है वो कम हो जाती है, तो मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही, बहुत फेंट आ रही। सो मैम आपकी भी आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है, चैट बॉक्स में लिख दो। आवाज आ रही है बट बहुत फेंट है, बहुत लो है। सो बेटर अब कोई डाउट नहीं है ना मैम मुझे। ओके फाइन पंक्ति अच्छा ओके एवरीवन। अभी जो कमिंग संडे है उसके बाद वाले संडे में आपका टेस्ट होगा इंग्लिश, नॉट कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे यू विल बी हैविंग योर इंग्लिश टेस्ट। सो फॉर दैट आई विल गिव यू नेक्स्ट चैप्टर सून। आशी बेटा आपको ग्रामर के टॉपिक्स के लिए पूछूंगी मैं, वीडियोस होंगे तो मैम विल गिव यू ओके एंड टॉपिक ओके। So hope now you are having another session. I mean, Jared, yes, we have to put ing. Yes, now. Yes. Okay. 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 Wait. Let me check. Fine. Okay. Then I talk to ma'am. She will say. I mean, what is the next session? SS.
मैथ्स ओके I have doubt regarding Jaren. Ab mute ho ma'am. You are mute. Ma'am, ab mute ho. Hello, hello. Allah bhai, boli nahi rahe. Okay, sorry. Ma'am, in gerund, we have to put ing. Ma'am, in gerund word, if we have to find gerund in sentence, so in word there is ing at the end of the word, so it is called gerund. प्लीज मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटर यू राइट इन चैट बॉक्स आप कुछ बोल रहे हो मैं अभी कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही हम आप बिल्कुल स्टैट्यू की तरह हां लेकिन फिर वो जेरेंड की क्वालिटी अलग होती है थी वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है वर्ड तो आईएनजी वाला रहेगा बट वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा अब वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही बता सकती हूं ओके मैम नो प्रॉब्लम सैटरडे नो प्रॉब्लम ओके अभी वेट कर रहा आई नहीं Okay, then I leave now. Bye, everyone. Bye, ma'am. 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 Thank you.
मुझे एक क्वेश्चन मैम डाउट है मैम ध्रुवी मैम